नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक पंक्ति है कि वो विवादों में थे, रहते रहे और आज भी है। ये पंक्तियां आप वैसे तो कहीं भी फिट कर सकते हैं, लेकिन आज ये मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिकी राष्ट्रपति पर। क्यों, उसके बारे में अब आपको बताता हूँ। एक महिला ने उनके ऊपर फिर आरोप लगाया है कि इन्होंने जो है वो मेरे साथ हरासमेंट की है, और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है कि ये कोई पहली महिला नहीं है जिन्होंने उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के जो आरोप हैं वो लगाए हों। 2016 आपको याद होगा, जिस वक्त पे कैंपेन कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया भर से अलग अलग आवाज़ें निकल कर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई इस पूरे के पूरे हल्ले से, शोर शराबे से एक तरह की पब्लिसिटी, एक तरह का वेलफेयर पाना चाहता है और रिकग्नाइज होना चाहता है, क्योंकि अगर आप हमारे की राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो मीडिया की नज़रें, मीडिया के कैमरे जो हैं वो आपकी तरफ ज़रूर एक बार फोकस करेंगे। आपका स्टेटमेंट कम से कम लेना चाहेंगे कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए ताकि हम वहाँ तक पहुँचा सकें। ऑफकोर्स जब आज हम इन महिला की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1997 यानी तकरीबन आज से करीबन 23 साल पहले का ये पूरा का पूरा मामला, और 23 साल बाद उन्हें याद आई है कि मुझे इस आरोप के खिलाफ बोलना है। 23 साल लग गए। अब बोला क्या उन्होंने कि टेनिस मैच के बीच में ज़बरदस्ती पकड़कर किस करने की कोशिश की। ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आरोप है, और ऑफकोर्स व्हाइट हाउस की तरफ से इसे कंडेम भी किया गया है। व्हाइट हाउस ने इसे खारिज कर दिया है, कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भी महिला है वो सही नहीं बोल रही है। महिला एक मॉडल है, आपको पता होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है वो भी एक मॉडल ही है, मेलानिया ट्रंप भी एक मॉडल ही है, हालांकि अब वो फर्स्ट लेडी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो 1997 का किस्सा है ये एक टेनिस मैच के बीच में हुआ होगा। हो सकता है ये US ओपन की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, 4 ग्रैंड स्लैम्स में से एक ग्रैंड स्लैम जो है वो US ओपन ही है। तो ये पूरा का पूरा किस्सा जो है वॉशिंगटन से सामने निकल कर आया है, और एमी डोरिस ने जो आरोप लगाया है वो 23 साल पुराना आरोप है। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रंप क्योंकि एक बिजनेस टाइकून रह चुके हैं, आपने उन्हें वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के कुछ मैचेस में भी देखा होगा जिसमें वो अपने प्रतिनिधि बॉबी लैशली के साथ आए थे और उमागा के साथ उन्होंने मैकमैन के प्रतिनिधि को लड़वाया था, और वो जो मैकमैन था हार गया था उस मुकाबले को। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पर भी आए थे, उनके कई बिजनेस टावर्स भी हैं जिसमें से एक टावर मुंबई में भी है, तो ट्रंप टावर के नाम से जिसे जाना जाता है। तो वो बिजनेस टाइकून रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका बिजनेस चलता है। इस दौरान मुलाकातें अपने आप बढ़ जाती हैं, मॉडल्स से हो गया या हाईफाई सोसाइटीज़ में या बहुत नीश क्लास के लोगों से मुलाकात करनी उनके पेशे का, उनके ओहदे का हिस्सा भी है, और अब तो क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं तो पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच जब अगला चुनाव जो है वो 3 नवंबर को होना है, जिसमें जो बाइडन उनके अगेंस्ट हैं, और जब हर कोई ये मान रहा है कि ट्रंप मजबूत नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर ये देखते हुए कि उन्होंने गल्फ देशों के बीच जो दोस्ती कराने का नया जिम्मा उठाया, जिसमें अब तरह तरह से आवाज़ें आ रही हैं कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिलना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक एंटी वेव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा व्हाइट हाउस की तरफ से बयान निकल कर सामने आया है। जो महिला कह रही हैं उनके ये आरोप हैं, जो व्हाइट हाउस ने कहा है उसे पूरी तरह से कंडेम कर दिया है। हमारी इसमें अपनी कोई राय नहीं है, हम निश्चित तौर पर वहाँ की कानूनी कार्रवाई का इंतज़ार करेंगे। अगर कोई मामला दर्ज होता है उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल बीच में खड़े रहकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि महिला ने ये आरोप लगाया और ट्रंप ऑफकोर्स व्हाइट हाउस की तरफ से उसे खारिज कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इसके साथ साथ हमारे की चुनावों की कवरेज भी आपको यहाँ पर लगातार मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें लिखिए कि आप अमेरिकी चुनावों को लेकर और वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि 3 नवंबर को वहां चुनाव है, और चुनाव के बाद जो अगला राष्ट्रपति निकल कर आएगा उसका न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में, जब जो अमेरिका का नया राष्ट्रपति आता है वो पूरी की पूरी दुनिया पर असर डालता है, क्योंकि सबसे ताकतवर मुल्क है, सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति को। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।